हाँ बच्चे, अब जो क्वेश्चन आपके कर रहे हैं अपन वो है उपसूत्र अनुरूपेंट से, ठीक है। इसके आपको चार क्वेश्चन दे रखे हैं, 5, 6, 7, 8, 16, 31, 24, 56। बहुत ही आसान तरीका है ये। हालांकि ये होने को ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना अपन, ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, लेकिन वो डायरेक्ट हो जाएगा आपके मेथड से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं कर सकते। बाकायदा मैं आपको इसमें स्टेप्स लिखाऊंगा, पाँच, पाँचों स्टेप्स आपको लिख के आनी है, विदाउट स्टेटमेंट कोई नंबर नहीं मिलते। समझ में आ रही है आपकी बात? तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझना बच्चे। जैसे ये पहला अपन लेते हैं, अगर फिफ्थ 16 का स्क्वायर, पहली बात तो ये स्टेप्स अपन इधर लिखते रहेंगे, ठीक है बच्चे। पहली स्टेप ये रहेगी, स्टेप्स नंबर वन, कि अपन को जब भी कोई दो डिजिट का स्क्वायर करना हो तो हमें तीन कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो पहली लाइन हो जाएगी, मेक थ्री कॉलम्स फॉर राइटिंग प्रोडक्ट, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे, उत्तर के लिए तीन खंड बनाए, जरूरी है पहली लाइन लिखना, ठीक है। इसका मतलब अपन तीन खंड बनाते हैं, 1, 2, 3, तीन खंड बन गए। अब सुनो मेरी बात, पहली बात ये होगी, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तीन खंड बनाएंगे। अब जो तीन खंड बने, जैसे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, दूसरी बात लिखेंगे, इन फर्स्ट पार्ट, या फिर एक मान लो कि फर्स्ट कॉलम, राइट स्क्वायर ऑफ टेंस डिजिट, ठीक है, टेंस प्लस डिजिट। हिंदी वाले बच्चे क्या लिख देंगे, कि पहले खंड में दहाई अंक का वर्ग लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, सबसे पहले क्या लिखना है, पहला है, पहला जो खंड है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। इस फर्स्ट खंड, चलो मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट खंड के अंदर अपन क्या लिखना है, पहले खंड में दहाई का अंक का स्क्वायर, दहाई का मतलब ये इकाई, ये दहाई, वंस टेंस, वन का स्क्वायर लिखना है। समझ में आ गई बात? ओके, तीसरी बात, अब बात आती है थर्ड कॉलम की। थर्ड में अपन क्या लिखेंगे, इन थर्ड कॉलम राइट स्क्वायर ऑफ वंस प्लस डिजिट, यानी कि तीसरे खंड में इकाई अंक का वर्ग लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा खंड ये है, इसमें इकाई का वर्ग, इकाई का मतलब सिक्स, वंस, इसका स्क्वायर लिख दिया, और तीसरे में दोनों का प्रोडक्ट होने को। मैं अगर इस वन और सिक्स को मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं आपको, ये वन और सिक्स है, ठीक है। इसको अपन अगर ए मान लें, इसको अपन बी मान लें, लेकिन एग्जाम में क्या है, ऐसा कर नहीं सकते, बाकी मेथड वही देख लो। बोलें ए और बी अगर मैं मान लूं, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर, ठीक है, तीसरे कॉलम में बी का स्क्वायर, और इसमें है टू ए बी, कैसे कि वन का स्क्वायर, टू इंटू वन इंटू सिक्स, ए बी, समझ पा रहे हो, ऑब्लिक सिक्स का स्क्वायर, यानी कि वन, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 36। अब हमेशा इन दोनों डिजिट में एक ही डिजिट रखा जाता है, बाकी सब इधर जाएंगे, तो 6 का 6, ये जब इधर गया तो 5, ये जब इधर गया तो 2, 256 रहे हैं, लेकिन ये क्या, ये आपके एग्जाम में ये करना सही नहीं है, ठीक है। अपनी बुक के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन इसको करेंगे, बाकी सिस्टम मेथड यही है, ठीक है, लेकिन अपन को बाकायदा स्टेप्स के साथ लिखना है। अब सेकेंड स्टेप के अंदर हम लिख देंगे, इन मिडिल कॉलम राइट द प्रोडक्ट ऑफ बोथ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिजिट, यानी कि मध्य खंड में दोनों अंकों का गुणनफल लिखा, मतलब दोनों कौन से, 1 × 6, यानी कि 6। पहला अपन लिखा कि पहले हमने स्क्वायर लिखा था थर्ड इसका टेंस का, ठीक है, टेंस का मतलब 1 का स्क्वायर लिखा था, जो हमने लिखा था 1। सेकंड हमने कहा कि थर्ड कॉलम के अंदर हमने लिखा है वो, तो इसमें जो लिखा है वो लिखा हमने 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। और तीसरे में अपन लिख रहे हैं दोनों का मल्टीप्लाई,
यानी कि 1 × 6। ये बातें बहुत जरूरी लिखना आपने, ठीक है। ओके, अब बात आई पांचवें की, फिफ्थ कॉलम, समझो एक मिनट के लिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 होता है 36 होता है, ठीक है, ये लिख दिया। पांचवी बात हम लिखेंगे जो यही नंबर जो है उसी को एक बार फिर लिखना होता है। कौन सा मेथड है? उपसूत्र अनुरूपण। करना क्या है? पहली जो पहला जो खंड है, फर्स्ट जो आपका कॉलम है उसके अंदर 10 का स्क्वायर मतलब दहाई का स्क्वायर, थर्ड में इकाई का स्क्वायर, बीच में दोनों का गुणा, ठीक है, वो एक बार सोल्यूशन लिख दो। ये एक एक टाइप हुई, ऐसा मान लो कि एक लाइन का सोल्यूशन हुआ। अब जो बात सोल्यूशन हुई वो ये है, इसी को फिर से एक बार और लिखना होता है और फिर इसको सोल्व कर दिया जाता है, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे इन द मिडिल कॉलम, इन द मिडिल कॉलम, ठीक है, ये जो नंबर है आपका क्या बोलते हैं इसको, राइट द एबव प्रोडक्ट अगेन, मध्य खंड में प्राप्त गुणनफल को एक बार फिर लिखा। पांचों बातें लिखी आनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक। अब सॉल्व कर दो, देखो 6 का तो 6, ठीक है ना, चलो ये लिख देते हैं 6 का 6। अब ये जो 3 है और ये कितना हो गया, एक मिनट पूरा सॉल्व कर दो, ये हो गया 12 और ये हो गया 1। अब समझना, बहुत सिंपल है, करना क्या है, एज इट इज 36 का 36, 6 और 6 ये 2 हो गए ना। देखो यहाँ तक ऐसा मान लो कि वो तो सेम बात लिखी थी अपने, 36 का 36, 6 और 6 12, 1 का 1, ठीक है। अब देखो हमेशा मिडल और थर्ड कॉलम के अंदर एक डिजिट रखना है, तो 6 का 6 3 चला गया इधर, ये बन गया 5, ठीक है, और चलो एक साथ ऑब्लिक लगा के 6 का 6 3 चला गया इधर, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब ये 1 चला जाएगा इधर, तो ये बन गया 2, यानी कि 256 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है 16 का स्क्वायर 256 होता है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से आपको करके आना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 6, 31 का स्क्वायर करना है, सेम वही मेथड, 3 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अंदर दहाई का स्क्वायर यानी कि 1s और 10s का स्क्वायर, यस। सेकेंड देख लो, भाई 3 कॉलम बनाए, फर्स्ट के अंदर दहाई का स्क्वायर, ठीक है, थर्ड के अंदर यूनिट डिजिट यानी 1 का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर, ठीक है, और इसके अंदर मिडिल के अंदर दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 3 × 1, ठीक है ना, यानी कि ये तो 9 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, ओके। और फिर क्या करना होता है बच्चे अपन को, कि ये एक बार यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये बात होने के बाद, 4 बात होने के बाद फिफ्थ जो टर्म था वो ये था कि मध्य खंड में बीच के अंदर एक बार जो ये आया उसको एक बार फिर लिखना होता है, बस ये ध्यान रखना, बाकी कोई वो नहीं है। तो ऐसा मान लो कि यहाँ तक का सोल्यूशन बना, तो 1 का तो 1, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 9, इसमें तो सब में एक एक डिजिट है, तो 961 आपका इसका आंसर हो जाएगा, किसका, 31 का स्क्वायर। ऐसे ही मुझे क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, उसमें 24 का स्क्वायर पूछा उसने, ठीक है, मेक 3 कॉलम्स ऑफ राइटिंग प्रोडक्ट, 3 कॉलम बना लेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के अंदर 10s का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, इकाई दहाई, 10s और 1s, और थर्ड में इकाई का स्क्वायर यानी कि 1s का स्क्वायर, और सेकंड में दोनों का प्रोडक्ट, ये हो गया 4, ये 8, ये 16, ठीक है ना। और फिर पांचवी बात क्या है, वो ये कहता है कि इसी को एक बार रिपीट करवाना है, यानी कि यहाँ तक की सोल्यूशन बना, तो ये हो गया 16, ये भी 16, और यहाँ पब्लिक लगा दो बोले, और ये हो गया 4। अब आपको पता है इन दोनों में सिर्फ एक एक डिजिट रखना है, तो 6 का 6 रहेगा लेकिन 1 जाएगा इसके पास, ठीक है, ये हो गया 7 लेकिन ये जाएगा इसके पास, ये हो गया 5, यानी कि 576 आपका 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 थे बचे, 56 का स्क्वायर करना है, मैक 3 कॉलम्स ऑफ राइटिंग, तो 3 कॉलम अपन बना देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, और फर्स्ट में आप क्या करेंगे, 10s का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, थर्ड में 1s का स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर या दहाई का स्क्वायर, और सेकेंड में दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ये तो 25, 30, 36। और पांचवी बात क्या है, वो ये कहता है इसको रिपीट करवाना एक बार फिर, ठीक है, चलो। तो मतलब देखो ये जो लाइन है ना, ये आप नाम भी लिखो तो चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से लिख दो ज़्यादा बेटर है, इसका सोल्यूशन है बस ये नीचे, इसलिए मैं लाइन खींच रहा हूँ, आप कन्फ्यूज ना होना, मतलब इसकी यही एक ही बात है। तो 6 का 6
36 एक बार एज इट इज इनको ऐड करवा दो, ये हो गया 60, ठीक है ये 25, इतना अपन को एक बार लिखना है। अब आपको बताइए कि मिडल और थर्ड के अंदर एक ही डिजिट रखना है, तो 6 का 6 3 जाएगा इधर, तो यहाँ आ गया 3, 6 जाएगा इधर, ठीक है ना। ध्यान से समझना, 6 का 6 ऑब्लिक ये 3 जब 0 में एड हुआ 63 हो गया, लेकिन हमारे 3 काम आ गया, 6 चला गया उधर, वो हो गया 6 जब इसमें ऐड होता 6 और 5 11 यानी कि 31, तो आंसर क्या होगा 31। इधर कितने भी रह सकते हैं, इन दोनों में वन डिजिट रहना चाहिए, 3136 31 36, ये आपका आंसर हो जाएगा 56 का स्क्वायर। इस तरीके से जो उपसूत्र अनुरूपण के जो चार क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए।